मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि कल मैं एक शादी में रहूंगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बीच में 10-5-15 मिनट का समय निकाल के मैं अपनी भौतिक उपस्थिति को दर्ज करा दूं। ये मेरा प्रयास जरूर रहेगा। और मैं एक आपसे एक अनुरोध ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा आपकी तरफ से क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ने के लिए कहा जाए, क्योंकि यदि हम बिना खर्च वाला मॉडल जमीन पर नहीं उतारेंगे तो जो ये जन संसद वाला जो कॉन्सेप्ट है, अल्टीमेटली इसे हमें संसद में बैठकर ही बनाना होगा। क्योंकि क्योंकि देखिए, आज के मॉडल में ये दुष्ट लोग जो है, जब तक आप पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाएंगे, ये दुष्ट लोग आपको कुछ नहीं करने देंगे, और इनका खुद का चरित्र काला है। ये आपको अच्छा काम क्यों करने देंगे? देखिए, ना इनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है। गलत लोगों को टिकट देते हैं, जिन कार्यकर्ताओं ने इन्हें राजनेता बनाया है उन्हीं के साथ विश्वासघात करते हैं, उन्हें नजरअंदाज करके अपने नेताओं के बच्चों को टिकट देते हैं, दल बदलुओं को टिकट देते हैं, बाहुबलियों को टिकट देते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, और अच्छे व्यक्तियों को टिकट नहीं देते हैं। इनकी सोच का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि यदि हमसे योग होगा तो चुनौती बन जाएगा। नहीं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आप बना रहे हैं, इसे पार्लियामेंट के अंदर पहुंचने के बाद ही बनाया जा सकता है। नहीं, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन ये दुष्ट राजनेता जब तक इनको जो है ना आप घेर के उस पार्लियामेंट के मंदिर में नहीं पहुंचते हैं जीत कर, तब तक ये नेता आपको ऐसा कुछ करने ही नहीं देंगे। तो उस चुनाव के लिए हमें लोगों को जोड़ना होगा। क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप उसी व्यवस्था को तो ला रहा है। नहीं, लेकिन आप हमारे मिशन से और हमारी सोच से, हमारे तरीके से कहां तक सहमत हैं? वो तो सेकंड स्टेज में आएगा, जब आप वहां पहुंच जाएंगे। पहली स्टेज में नहीं आ सकता है वो। नहीं, लेकिन उस मिशन को जमीन पे उतारने के लिए एक मॉडल तो चाहिए होगा ना। ये अशोक भाई, ये कहने से नहीं होगा ना। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, सम्मान करता हूं, हाँ, उसमें मॉडल है लोगों के जोड़ने का, लोगों को ऊर्जाकृत करने का, संकल्पित करने का, चंद्रगुप्त पैदा करने का, और चंद्रगुप्त को जो है संकल्प के साथ जिताने का, और पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर फिर ये नियम कानून बदल के इकोसिस्टम बदलने का, इंक्लूडिंग ब्रिंगिंग जन सांसद ऑल्सो। लेकिन जन सांसद भी हमें पार्लियामेंट के अंदर पहुंच के ही बनाने का मौका मिलेगा। नहीं, लेकिन उस रोड मैप की टाइमलाइन बताइए आप मुझे। टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साहब किस तरीके से हम करेंगे, और वो कार्रवाई अभी जैसे 2024 है, राइट? तो 2024 नहीं, समय और काल तो हर किसी के लिए मायने रखता है, और समय काल के सामने किसी की नहीं चली है। हम और आप भी समय काल से बंधे हुए हैं। आज मरेंगे, कल दूसरा दिन हो जाएगा। तो समय और काल बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, काम करते रहेंगे से काम नहीं चलेगा। हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी होगी,
जो कि हमें मदद करे और ये सब नियम कानून जो बनाना है उनके ड्राफ्ट वगैरह रेडी करके तब उसके पहले हमें वहां पहुंचना होगा, नहीं तो ये हमारे ड्राफ्ट कानून आज के दुष्ट राजनेता क्यों अडॉप्ट करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये रोज इतनी गड़बड़ियां करते जा रहे हैं। आप ये देखिए, 75 साल हो गए हैं, इन्होंने तो आपको ये भी एहसास नहीं होने दिया कि हमने आपको गुलामों के नियम कानून से बांध के रखा है। आप बताइए, आज आज अधिकांश केसेस में पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है और ये दुष्ट लोग पहुंच जाते हैं तो पैसे लेके झूठी रिपोर्ट लिखने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। आज जो है आपके देश का प्रधानमंत्री के मरने पर भी केस 30 साल में भी उसे सजा नहीं मिल पाती है। तो हमने तो ये एक कपटी सिस्टम जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को प्रताड़ित करने के लिए, शासित करने के लिए बनाया था, हमारे दुष्ट राजनेताओं ने वही हमारे ऊपर थोप के रखा है। नहीं, जानने के बाद भी आज ये कोई कहते दिख रहा है क्या? हाँ, हम मैं वही कह रहा हूं कि जो आपका सॉल्यूशन डिजाइन हो रहा है उसके पहले हमें पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचना होगा, फिर इस चीज को वहां पर कानून के रूप में लाना होगा, संविधान के अमेंडमेंट के रूप में लाना होगा, या इस उस सभा को स्वयं सांसद जो है ना सभा जो है ना संविधान सभा घोषित करना होगा। लेकिन ये काम आप बाहर से बैठ के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि ये बाहर से नहीं, बाहर से बैठ के यदि आप करने की कोशिश करेंगे तो ये लोग झूठे मुकदमा काम का कायम करके जैसे ये पहले करते रहे हैं उसी तरीके की बदमाशी और मकारी करेंगे। नहीं, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लोग 543 अंदर पहुंच जाएं, कौन अंदर रहेगा कौन बाहर रहेगा ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे चुने हुए हमारे हमारे लोग जो है वहां होना चाहिए। मैं केवल आपसे ये चाह रहा था कि आप अपने मुखारवंद से जो भी आपने क्राइम फ्री भारत के बारे में समझा है उसके बारे में 2-4-5 लाइन जरूर कहिए। मैं ये बस चाहता था, और कुछ नहीं चाह रहा। अरे मैंने तो ये संकल्प ही ले लिया है कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करूंगा। नहीं, मैं तो इस संकल्प से काम कर रहा हूं, इस ऊर्जा से काम कर रहा हूं, उसके लिए मॉडल भी बना रहा हूं, उसके लिए लोगों को भी जोड़ रहा हूं। आप वही वो भी करिए कि साहब ये प्रयास की सराहना कर रहे हैं, यहां तक पहुंचे हैं, और यदि हम सब लोगों का योगदान मिलेगा तो ये प्रक्रिया में तेजी आएगी, तब हम 2024 तक ही अपने उद्देश्य को हासिल कर पाएंगे। और जिसको समझ में नहीं आ रही है वो मैथिली में मुझसे चर्चा करे, नंबर हमने आपको दे दिया है। बिल्कुल, मैंने देख लिया है, मिल गया है मुझे। हाँ, नहीं, हमें आपके दोनों मिल गए हैं, 61 का भी मिल गया है और बाद का जो 6 वाला है वो भी मिल गया है। हाँ, वो तो जुड़ना ही पड़ेगा।
हम तो ये कह रहे हैं कि आपका विजन बहुत अच्छा है, हम उसका समर्थन करते हैं। अब उसको जमीन पे उतारने के लिए हमें या तो 2024 में, यदि हम इसमें फेल करेंगे तो हमें 2029 तक वेट करना पड़ेगा। ये 5 साल का विलंब जो है ग्राह्य नहीं है, क्योंकि ये दुष्ट राजनेता हमारी जिंदगी को तब तक और भी खराब कर देंगे। नहीं, लेकिन मुझे वो ग्राह्य नहीं है। मुझे लग रहा है कि हम यदि प्रयास करेंगे, 9 दिन के प्रयास से जब वो अछूवा संभव हो सकता है, तो क्या हम 9 दिन का संकल्प नहीं ले सकते हैं? चल, हाँ, आपकी बातें मैं मानता हूं कि वो जो है ना, इस 5 साल की अवधि में परिष्कृत करके उसे कानून बना के 2029 में नई जो जनसंसद बनेगी वो इस कॉन्सेप्ट पर बनेगी। जी जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जरूर 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 जरूर। चलिए, तो एक बार फिर से मैं आपको साधुवाद देता हूं कि इस उम्र में भी आप उसी ऊर्जा से लगे हुए हैं। मैं आपको सलाम करता हूं। राइट राइट, ओके। जय हिंद, जय भारत।